नमस्कार साथियों, हम हैं मोहन परिहार के साथ मोहन परिहार चैनल पर, और हम आज देखेंगे भिंडी की खेती। अगर दूसरे किसान अगर दूसरी फसलों का भी बुआई करते हैं और उस सब्जी में करते हैं, किसी में भी डील करते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखते रहें, क्योंकि कुछ बातें कॉमन रहेगी और उनको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें वेराइटी जो होती है, रेजिस्टेंस कैसी होती है। तो दोनों उदाहरण के रूप में मैं विजुअल भी मैं वीडियो में बताऊँगा कि दोनों में अंतर कितना है। किसी पेस्ट के अनुसार वो रेजिस्टेंस हो सकती है, तो वो देखेंगे। और कौन कौन से इंसेक्ट इसमें हैं, ये जहाँ भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो 15-15, 20-20 साल से खेती कर रहे हैं वेजिटेबल की, उसके बाद उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों को मैं जो बार बार बोल रहा हूँ उसको लिख के रख लेना है। उस क्रॉप को कर रहे हैं आप तो एक बायोडाटा बना लेना है कि कितने दिन में क्या बोला है, ठीक है। अगर मैंने कुछ बोला है कि इतने दिन में ऐसी होगी समस्या, 2-3 पत्ती पे बताई थी, तो तीसरी चौथी पत्ती पे इल्ली आती है तो आती है, तो ठीक है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं आपको लिख के रख लेना है। जो भी अगर भिंडी की खेती कर रहा है तो भिंडी कर ले, और कॉमन जो है कॉमन तरीके से वीडियो देखे। अगर वो ये फसलें नहीं करते तो उसको कॉमन तरीके से देखे, और कुछ कॉमन चीज़ें इसमें होती है उसको समझ ले। वो हर फसल में हर इम्प्लीमेंट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो हर फसल में यूज़ होते हैं, और उन प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो आप, और आप करते भी हैं तो एक बार रिपीट कर ले अपने ज्ञान को। तो इसमें अगर भिंडी के हम बीजों की बात करें तो प्रमाणित बीज लें, अच्छी कंपनी के लें, और वो सीड ट्रीटेड हों। सीड ट्रीटेड नहीं हो तो सीड ट्रीटमेंट कर लेना है आपको, और आपके क्षेत्र के अनुसार जो भी वेराइटियाँ हो, जो भी आपके क्षेत्र में चल रही हो, उस प्रकार की वेराइटियाँ आपको लेना है। पर भिंडी में येलो विन मोजेक रेजिस्टेंस वेराइटी आ गई, तो येलो विन रेजिस्टेंस वेराइटी ही लेना है। साथ में सकिंग पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटियाँ भी हैं हरे मच्छर से बचाव के लिए, तो उस तरह की वेराइटियाँ भी लेना है। तो भिंडी की अगर रही बात कि किस क्षेत्र में हो जाएगी, तो सभी जगह हो जाएगी, ये पानी भर जाता वहाँ पर भी हो जाती है, पर ज़्यादा नहीं भरता हो, 5-10 रोज में वहाँ से निकल जाता हो। पर जहाँ दूसरी फसलें हैं नहीं हो पाती सर्वाइव, वहाँ पर भी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक गर्म क्षेत्रों की गर्मी की ही फसल है, तो गर्म क्षेत्रों में आप इसको कर सकते हैं। और बीज उपचार आपको करना है तो कहाँ से करें, अगर आप बीज आप कर रहे हैं देसी कर रहे हैं या कुछ बीज ट्रीटमेंट नहीं है, तो कार्बेंडाजिम प्लस मिनकोजेब का कॉम्बिनेशन मिलता है मार्केट में, तो उससे कर लें। 64+8 में आता है शायद, का देख लेना बाद, या 12 में आता है, 64-12 कुछ आता है, तो उसमें कार्बेंडाजिम प्लस मिनकोजेब ये वाला कॉम्बिनेशन आपको ट्रीटमेंट में यूज़ कर लेना है। ताकि वो अगर जो जैविक करना चाहते हैं, जैविक कैसे करेंगे, तो जैविक के लिए ये राख आती है जो जली हुई, उससे कर लें कुछ। उस पर आपका चिपचिपा या पानी लगा दे, या आपको गुड़ का हल्का सा पानी, मतलब कि 50 ग्राम गुड़ 1 किलो में लीटर पानी में मिला के घोल के उसको छिड़क दे बीजों पे, और उस पर फिर वो राख लगा दें, तो उससे क्या होगा कि वो सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा और बैक्टीरिया के लिए भी चलने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर खरपतवार की जहाँ पर समस्या आती है तो उसकी हम आगे देख लेंगे, खेत से विजुअल में दिखा दूँगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे समस्या आती है, एक समस्या आती है जब जानते पहचानते हैं उसके बाद भी भिंडी में, तो आप उसको देख लीजिए। तो आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये देख लीजिए, ये भी इस फसल में क्या हुआ है, ये दूर से आपको दिख रहे होंगे पत्ते मुड़े हुए, ठीक है। तो ये वाला अगर कैरेक्टर दिखता है, ये देखिए आप, ये दूर से ही दिख जाता है, तो अब क्या समस्या है, तो ऐसे कहोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं देखेगा, यार ऐसी सामान्य भिंडी है, तो ये सामान्य नहीं है, ये पत्तियाँ टर्न हो गई तो सामान्य नहीं है। इसके यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इंसेक्ट नहीं दिख रहे हैं आपको, ये मच्छर आता जो हरा एफिड बोलते हैं, तो ये है देख लीजिए, इस पर बल्क है, इस पत्ती पर दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। तो ये वाला आपको समस्या, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इमिडाक्लोरपीड सबसे बढ़िया दवाई है। और उसके बाद में अगर ये एडल्ट भी दिख रहा है, इसमें नीम जो पत्तियों पे नहीं दिखता है उसको मारने के लिए, और एडल्ट दिख रहा है तो उसके साथ एसीफेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके 3 डोज देना है कम से कम 6-6 रोज पे 3 डोज देना है, जब जाके कंट्रोल होगा। दूसरा कैरेक्टर इसमें समस्या आती है आपका माइट्स, तो माइट्स के देखिए यहाँ पे कैरेक्टर आ चुके हैं इस फसल पे। एक किसान 25 साल होने के बाद में भी ये इसमें मार खा रहे हैं, तो माइट्स का देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये माइट्स, ठीक है। पत्ती पे ऐसे धब्बे दिख रहे हैं आपको, तो इसमें माइट्स अटैक आ गई। तो माइट्स अटैक से कहाँ आ गई, तो आपको मैं दिखाऊँ तो ये देख लीजिए, मैं भी अभी देख रहा हूँ आपके साथ, ये देख लीजिए रेड माइट्स है, ठीक है, इस कैमरे में देख लीजिए। अगर ऊपर पत्तियों के ऐसे धब्बे दिख रहे हैं पीले, ठीक है, तो ये आ गई। और अब ये एक डोज से कंट्रोल होने वाली नहीं साहब,
ये आपका एक डोज से कंट्रोल नहीं होगी, तीन डोज लगेंगे, तीन डोज आपको इसमें डालना ही डालना पड़ेंगे। और इसको तीन डोज आपको डालना है, तो मैंने शुरू में बोला था कि शुरू में दे देना फास्मैक्स 20-25 रोज पे, वो नहीं दी तो वो ये वाली समस्या हो गई। तो आपको इसमें क्या करना है, एसी फेट सिटामाप्रीड ले सकते हैं आप, ठीक है, या एसी फेट, या आपको इसको स्पेशली इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, फेंजा क्वीन आती है 10% इसी में, तो वो परफेक्ट है, पर उसके देना पड़ेंगे तीन डोज और चार रोज के अंतर पे देना पड़ेंगे। और टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना कि अगर गर्मी का ये सीजन है, गर्मी का मेरी बात सुन लेना, दवाई आप दिन में न करें, सुबह भी नहीं करें, दोपहर भी नहीं करें, सुबह मतलब सुबह 4 बजे रात से भी नहीं करें। अगर इसके रिजल्ट लेना है आपको माइट्स के, तो पानी से 76 करें और आपका 6 बजे बाद जब दिन डूबने के कगार पे हो, तो अगर 5-7 टंकी का है या 10 टंकी का है तो 2 पंप लगा के 6 बजे बाद स्प्रे करें, तो इसके रिजल्ट गर्मी में आएंगे सही साठ। नहीं तो गर्मी में आप दवाई छिड़के पूरा प्लाट ख़त्म हो जाएगा और पूरा आप घाटे में चले जाओगे। अगर माइट्स को कंट्रोल करना है, इस सिचुएशन में भी करना है, तो 6 बजे बाद स्प्रे करें, तो रिजल्ट इसके करीबन करीबन आपको 60% रिजल्ट मिलेगा। वो अगर यूँ छिड़केंगे तो आपको 15-20% आएगा गर्मी में रिजल्ट, गर्मी में नहीं आता, ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। बिल्ली की समस्या आती है, बोरर की आती है, तो उसके लिए प्रोफेनो प्लस साइपर है 4%, 44-4 का है, तो वो माइट से भी ये कंट्रोल करता है, पर साथ में आपको 20-25-30 रोज की हो एक बार मैकेरेसाइड कर देना है, ठीक है, फास्माइड कर दो तो उससे कंट्रोल हो जाएगी आपका ये प्रोफेनो प्लस, इसके साथ थोड़ा सा हेवी डोज कर दो, ये आती आती है। और मच्छर के लिए आपको इमीडा करना ही है, ठीक है, 7-8 ml आपको 10 ml तक भी डाल सकते हो एक पंप पे, तो इतना 15 लीटर पे, तो ये करना है। और आपको हम मैं दिखा देता हूँ वीडीसाइड क्या होता है, वीडीसाइड का यूज़ कैसे और कहाँ किया जाए। उसके नियंत्रण की बात कहें तो मेरा तो सजेशन हमेशा रहता है कि आप वीडीसाइड ना उपयोग करें, पर अगर जिनके यहाँ ज़्यादा समस्या है इस तरह की हैं, तो वहाँ पर पेंडामेथिलिन 7 ml प्रति लीटर मतलब 15 लीटर में 105 ml के हिसाब से आपको डोज इसका डालना है, उस हिसाब से आपको स्प्रे करते जाना है, पानी देने के पहले स्प्रे करते जाना है और फिर पानी दे देना है। और यहाँ पर इन्होंने दवाई डाली, इतनी नहीं काम की, नहीं करती है, तो दूसरी जगह डेमो डलवाएं उस कंपनी से, और वहाँ पे भी अगर वीट से जर्मिनेट हो जाता है तो आप प्रति एकड़ आप 20-25 हज़ार का ठोक सकते हैं, आप उससे क्लेम लगा सकते हैं, क्योंकि एक किसान पूरी तरह से वीट्स में भर गया, इन्होंने स्प्रे किया था तो ये तो गया घाटे में, मतलब आप सोच लो, अब ना तो इसका दुकानदार कोई सपोर्ट करेगा ना कुछ करेगा, बस ये तो उतर गया, अब साल भर मेहनत करेगा बराबर में रहेगा। तो आपके साथ ऐसा होता है बिल्कुल, उस कंपनी वाले से लीजिए, अगर दवाई फेल है उसके कारण आपकी भिंडी पूरी फेल हो गई सकते हैं। एक तरफ है रेजिस्टेंस आपका और दूसरी तरफ है आपका इंसेक्ट रेसेसिव। तो ये देखिए, इसमें आपका जो हरा मच्छर है उसका कम अटैक होगा, इसमें माइट्स का भी अटैक कम आएगा। और ये वेराइटी है तो ये देख लीजिए, इसमें सकिंग पेस्ट का ज़्यादा अटैक है और ये पूरा इधर देख लीजिए, और दोनों के मैं बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पे दोनों लगी हुई मिल गई, तो देख सकते हैं दोनों में अंतर। तो इसका उत्पादन अगर कम है ज़्यादा है, वैरायटी के गुण के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, पत्तियों का तो है ही है, पर इसको आपको वाच करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अधिक सूटेबल है, तो उस तरह की वैरायटी लगाएं। जो कम अगर आपकी भिंडी फेल होती बार बार, तो आप इसी रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाएं ताकि आप इसमें फेल ना हो पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स किया करें, हमारे बहुत सारे वीडियो छूट गए हैं बहुत सारे ये चीज़ें ना करने के कारण, तो हम बहुत सारी रोप डालना थी, बहुत सारे हमने देखना थे, वो नहीं कर पाए। तो बस इतना ही साथियों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, सहयोग करें, जय हिंद साथियों।